फिर से आप सभी के बीच में हूँ। और जो टॉपिक मैंने जीएनएम आयुर्वेद वाले को इसके पहले बताया था, जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पता होगा, और जो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप फिर से आप सभी क्लास अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको क्लास अटेंड करना, नहीं तो आपको फिर से जो भी टॉपिक आपका छूट जाएगा फिर से कवर नहीं हो पाएगा और आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो जो भी चैनल पे नए हैं, ऐसा नहीं कि बस जीएनएम और डी फार्मा की क्लास मैं ले रहा हूँ और आयुर्वेद की बस एजुकेशन दे रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं बीच में आप सभी के बीच में लेकर के उसको बारी बारी से लेकर के आ रहा हूँ। तो ये जो प्लेटफॉर्म है आयुर्वेद के एजुकेशन के लिए ही बनाया गया, लेकिन जरूरत पड़ने पे जो भी आप कमेंट करोगे, नॉलेज की कमी नहीं है मेरे पास, मैं सबकी जो भी कंफ्यूजन है जो भी टॉपिक आप पूछेंगे मैं उसको बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप को अगर ये लगता है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है सबके पास पहुंचना चाहिए तो आप इसको पहुंचाइए। तो वीडियो में जाने से मैं करना चाहूंगा कि इस समय लोगों के दिमाग में भ्रम फैलाया जा रहा है आयुर्वेद के बारे में, तो उन सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आयुर्वेद है आज से नहीं है, आज से हजारों साल पहले से है। ये देव वैद्य की पद्धति है, जिससे ऋषि कुमारों का इलाज, ऋषि कुमार जो थे देवताओं का इलाज करते थे, अश्विनी कुमार जो देवताओं का इलाज करते थे, जो धन्वंतरी जो भगवान है वो इसके जनक है। तो कितना आप लोग इसके बारे में मतभेद करोगे, कितने लोगों के बारे दिमाग में निगेटिविटी भरेंगे। आयुर्वेद जो पद्धति आज से नहीं है, हजारों साल पहले से है। तो ये एक दिन में उपज की हुई ये फसल नहीं है कि आप इसको बर्बाद कर दोगे फिर हम इसको उपजा नहीं सकेंगे। तो निगेटिविटी फैलाना बंद कीजिए, क्योंकि मैं न्यूज में देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ कि लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं कि आयुर्वेद से इलाज कराने पर लोग मर जाते हैं, ऐसा है वैसा है, घास फूस से इलाज होता है। क्यों आप ये सब कर रहे हो? आपने आचार्य सुश्रुत का नाम सुना है, चरक ऋषि का नाम सुना है, ये जनक है आयुर्वेद के, और इन्होंने ही आयुर्वेद में सर्जरी का आविष्कार किया, सर्जरी दी, और पूरे विश्व भर में सर्जरी हो रही है इस समय, और ऑपरेशन थियरी चल रही है। तो जब इन्होंने इतना कुछ किया तो आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि इसको नीचा ना दिखाए, कम से कम इसके साथ बने रहे, इसकी बड़ाई नहीं कर सकते तो कम से कम इसे नीचा तो मत दिखाइए। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि लोग इस तरह का भ्रम लोगों के दिमाग में फैला रहे हैं। तो इस पे मैं वीडियो लेकर के, पूरी वीडियो लेकर के आप सबके बीच में आऊंगा, लेकिन जो टॉपिक है उसको पहले कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं पूरी बात करूंगा, और जो भी कंफ्यूजन है या जो भी लोग भ्रम फैला रहे हैं उसको मैं क्लियर करूंगा। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। जैसा कि मैंने वीडियो खत्म किया था जीएनएम आयुर्वेद का वाटर पे, तो काइंड्स ऑफ वाटर जो नेक्स्ट वीडियो है वो काइंड्स ऑफ वाटर पे ही है, पार्ट टू मैंने मेंशन किया हुआ है। तो टाइप्स ऑफ वाटर या काइंड्स ऑफ वाटर, तो आचार्य सुश्रुत ने पानी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड, पानी को दो भाग में, जल के दो प्रकार आचार्य सुश्रुत ने बताया है। पहला जो प्रकार है वो अंतरिक्ष है, और दूसरा क्या, भौम जल है। अंतरिक्ष का मतलब जो आसमान से जो जल गिर रहा है, मतलब बादलों से जो जल आ रहा है, और भौम जो भूमि पर है। तो अंतरिक्ष जल में इन्होंने बताया है धार, कार, तौषार, हेमवती। धार, कार, तौषार और हेमवती। तो धार, कार, तौषार और हेमवती, चार प्रकार इन्होंने सुश्रुत जी ने बताया है कि जल के चार प्रकार है जो अंतरिक्ष जल में गिने जाते हैं, और धार में दो प्रकार है, गंग और समुद्र। धार मतलब बहते हुए जल को इन्होंने कहा है। फिर भौम जल में सात प्रकार इन्होंने बताए हैं, जिनमें कौप, सारस, प्रास्त्रण, चौंट्य, नादय, तड़ाग और उद्भिद, ये सात प्रकार हैं, ये आचार्य सुश्रुत के हिसाब से हैं। तो ये जो जल के जो प्रकार हैं ये आचार्य सुश्रुत द्वारा बताया गया आयुर्वेद में ये मेंशन है। अभी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने यहाँ पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन वाटर का भी मेंशन किया है, जो कि साइंस, जो मॉडर्न साइंस है वो कहती है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इनके पास बस जल को डिफाइन करने के तीन ही कैटेगरी हैं, रेन, सरफेस और ग्राउंड। आप वीडियो में बने रहिएगा, और नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी उसमें भी देखिएगा, मैं जब अंतरिक्ष और भौम जल को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, जितने भी टाइप है, तो आपको समझ में आएगा कि अरे नहीं, पानी के इतने ज्यादा टाइप आयुर्वेद को पता है, जबकि साइंस में तो मेंशन ही नहीं है। तो अभी साइंस बहुत पीछे है, जबकि हमारे ऋषि और महात्माओं ने पहले से बहुत सारी चीजें खोज दी थी। अरे आप तो जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है उनको कणादि का भी नाम पता होगा, जिसके नाम पे मॉलिक्यूल पड़ा है, कणादि। तो
कणादि का मतलब कण पार्टिकल, जो सबसे छोटी जो मैटर की जो जो पार्ट होता है, कणादि कण जिसको बोलते हैं, वो ऋषि कणादि के नाम पे बना, क्योंकि उन्होंने पहले खोज दिया था और बाद में लोगों ने खोजा, और वो अपने वाही वाही लूट रहा है कि नहीं हमने उस चीज को खोजा, तो उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे पानी का जो तीन मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो रेन, सरफेस और ग्राउंड वाटर बताया गया। रेन मतलब बारिश का पानी, सरफेस का मतलब जो सतह पे जो भी पानी पाए जाते हैं, तो जो नदी का हो गया, तालाब का हो गया, झरनों का हो गया, झीलों का हो गया, ये सरफेस वाटर में। और ग्राउंड वाटर का मतलब अंडरग्राउंड वाटर से मतलब है जो जमीन के नीचे से आ रहा है, तो हैंडपंप हो जाएगा, कुआं हो जाएगा, या ट्यूबवेल से जो आप पानी ले रहे हो। तो ये इसको टॉपिक वाइज आप नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको रिफरेंस करके एक्सप्लेन करके टॉपिक वाइज हर जल के जो प्रकार है, अंतरिक्ष और भौम, वो सुश्रुत ऋषि जी के जो अनुसार है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, उस पे एक बड़ा वीडियो लेकर के आप सबके बीच में आऊंगा। आशा करता हूं कि जो भी चीजें मैं बताता हूं आप सबको अच्छी तरह से समझ में आता है। तो जो स्टूडेंट क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हैं, जो क्लास कर रहे हैं उनको बताइए कि नहीं आप क्लास कीजिए, नहीं तो आपके लिए दिक्कत होगी, आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा, फिर रिविजन नहीं किया जाएगा, तो उनका नुकसान होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।